रूट वर्ड्स और फर्स्ट रूट वर्ड आज हम देखेंगे क्रैसी, विच इज मीन रूल और शासन, शासन करना, रूल करना, क्रैसी कहलाता है। और अगर हम देखें तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से हम ढेर सारे वर्ड्स बनाते हैं क्रैसी से। पहला वर्ड है ऑलिगोक्रेसी। ऑलिगोक्रेसी का मतलब होता है, ऑलिग का मतलब होता है रिलेट टू फ्यू पीपल्स और रूल बाय फ्यू पीपल्स या सम पीपल्स इज कॉल्ड ऑलिगोक्रेसी या ऑलिगार्की। ऑलिगार्की कह सकते हैं। पैट्रियार्की का मतलब होता है पैट प्लस आर्की, पैट का मतलब फादर, रूल बाय फादर, पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक समाज। फिर अपन कहते हैं कि मैट्रियार्की यानी रूल बाय मदर, माता का शासन, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है मातृसत्ता, मैट्रियार्की। पैंट्रियार्की का मतलब होता है रूल बाय फाइव पीपल। और फिर होता है पैनार्की का मतलब होता है रूल बाय ऑल पीपल, पैन का मतलब ऑल, और बायार्की का मतलब रूल बाय टू पीपल, एंड आफ्टर दैट पॉलीआर्की, पॉली का मतलब होता है मैनी यानी रूल बाय मैनी पीपल्स इज कॉल्ड पॉलीआर्की। नेक्स्ट वर्ड इज, अगला आपका रूट वर्ड है थियो। थियो का मतलब थीस्ट या गॉड, ईश्वर से संबंधित या फिर रिलीजन से संबंधित। क्वेश्चन यहाँ पर हम वर्ड बनाते हैं, लॉजिक सेंटेंस के लास्ट में पहले सफिक्स यूज होता है, इसका मतलब होता है टू स्टडी, अध्ययन करना या फिर किसी चीज की स्टडी करना। थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट गॉड, गॉड के बारे में अध्ययन। थियोलॉजिस्ट का मतलब वन हु स्पेशलिस्ट इन यू नो द स्टडी इन अबाउट गॉड, एंड आफ्टर दैट वर्ड इज थियोलॉजिकल रिलेटेड टू रिलीजन, एंड आफ्टर दैट एथीस्ट का मतलब होता है आज सेंटेंस के पहले एज अ प्रीफिक्स यूज होता है, मतलब होता है नहीं, और थीस्ट का मतलब आपका गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथीस्ट, एंड आफ्टर दैट वर्ड इज थीस्ट, वन हु बिलीवर इन गॉड जो बिलीव करता है, आस्तिक होते हैं उनको कहते हैं, दैट इज नॉट हैव मोनो, मोनो का मतलब सिंगल, और वर्ड बनाते हैं मोनोथीस्ट, वन हु बिलीव इन वन गॉड इज गॉड एकेश्वरवादी। अगला है पॉलीथीस्ट का मतलब पॉली प्लस थीस्ट, वन हु बिलीव इन मैनी गॉड इज कॉल्ड बहुदेववाद, यानी पॉलीथीज्म का मतलब होता है आईएसएम जोड़ करके नाउन बनता है, दशा को रिप्रेजेंट करता है, थॉट बिलीव इन मैनी गॉड्स इज कॉल्ड आपका पॉलीथीज्म, एंड आफ्टर दैट वर्ड इज पैनथीस्ट का मतलब बिलीवर इन ऑल गॉड। और अगला है एग्नोस्टिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी इनको क्या होता है ये अज्ञेयवादी टाइप में होते हैं, ये गॉड है या नहीं है इसके बीच की डायलेमा में रहते हैं, तो वो एग्नोस्टिक कहलाते हैं, एग्जिस्टेंस को ही विश्वास नहीं करते कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं है।